नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हम लोग UPTT और नई शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर अंग्रेजी पढ़ते हैं। प्रतिदिन 7 बजे वीडियो अपलोड की जाती है। ये 6वीं वीडियो है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट, जो हाथ से लिखे हुए नोट हैं, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, नाउन्स अब पढ़ रहे हैं। कुछ रूल्स हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था और अब आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स हम नाउन के ही पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं नाउन को हम दो प्रकार से बांटते हैं नंबर के आधार पर। एक तो काउंटेबल होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, और एक अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते। यानी जो अनकाउंटेबल नाउन, उसके अंतर्गत आप मिल्क को रख सकते हैं, और वाटर को रख सकते हैं, ऑयल को रख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी यस या ईएस नहीं लगाया जाता है, मतलब उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब उसको गिन ही नहीं सकते हैं तो उसका हम एक वचन या बहुवचन इस प्रकार से कैसे डिवीज़न कर सकते हैं। तो जैसे आप प्यार को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, नफ़रत को नहीं गिन सकते हैं। आपके दिल में मेरे प्रति या किसी आपके दोस्त के प्रति आपको प्यार है या नफ़रत है, तो उस नफ़रत को गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। उसके आगे आर्टिकल ए या एन का भी प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिखा ही है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, मतलब वर्ब इनके साथ हम सिंगुलर लगाते हैं, एक वचन की लगाते हैं, समझ रहे हैं। पूरे वर्ब उनके साथ लगाया जाता है जिनके साथ बहुत, जो ऐसा एहसास दिलाया कि बहुत से लोग हैं यहाँ पर। जैसे कई बच्चे चिल्ला रहे हैं तो आप कहेंगे तो बॉयज आर क्राइंग या जो भी हो, तो आप बॉयज लगा रहे हैं, तो इसलिए लगा रहे हैं बॉय में यस, क्योंकि यह बहुत से लड़के हो सकते हैं। लेकिन वाटर में आप यस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर बहुत नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको गिना नहीं जा सकता है, तो वाटर्स लिखना गलत है। तो ये कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग केवल एक वचन में, जहाँ भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे उसके साथ हमेशा वर्ब जो होती है वो सिंगुलर ही लगेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। सिंगुलर वर्ब मतलब इज हो गया, आर नहीं होगा, वाज होगा, वेयर नहीं होगा, इनके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे आई नीड, मुझे ज़रूरत है, एक आई नीड अ वाटर, अगर मैंने ये लिख दिया आई नीड अ वाटर, तो आप कहेंगे सर ये वाटर के आगे एक ऐसे लगा दिए, ये तो नहीं लगेगा, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को गिनना नहीं जा सकता है। तो यही रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग एक वचन में होता तो है, लेकिन इनके साथ ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ऐसे प्रमुख अनकाउंटेबल नाउन आपके सामने हैं। मैं इतना क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि आपके कंपटीशन में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सीनरी का कभी कभी सीनरीज कह देता है, ये प्लूरल बना देते हैं कभी कभी, तो एग्जामिनर क्या करेगा पता है आपको, सीनरी में आई एस लगा देगा, फर्नीचर्स कर देगा, हेयर्स कर देगा, या नॉलेज में यस लगा देगा। तो ये सब नहीं हो सकता है, ना तो इनका बहुवचन बन सकता है, ना ही इनके साथ बहुवचन की कोई वर्ब लगेगी, यानी वेयर नहीं लग सकती, आर नहीं लग सकती। तो इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, हेयर को अगर आप गिन ले रहे हैं, जैसे आपने कहा मेरे बाल काले हैं, तो आप अपने सर के बालों की बात कर रहे हैं, और उस दौरान आप अपने बालों को गिन कर नहीं बता रहे हैं कि आपके बाल काले हैं, सभी बालों की बात हो रही है एक साथ, तो माई हेयर इज ब्लैक, ठीक है, तो हेयर के साथ यस नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप इस बाल को गिन ले रहे हैं, अगर आप कंघी कर रहे हैं और 2-3 बाल आपके टूट कर आपके हाथ पर आ जा रहे हैं, तब आप जब उसको गिन ले रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप हेयर्स लगा सकते हैं, हेयर का स्पेशल केस बन जाता है अगर उसको गिन लिया जा रहा है तब, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली आप उसको गिन नहीं सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हो गया, अब इन्फॉर्मेशन में भी यस, एग्जामिनर क्या करता है, यस लगा के देता है। लैंग्वेज में लैंग्वेजेस, जैसे आई नो टू लैंग्वेज, मैं दो भाषा जानता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी, तो आई नो टू लैंग्वेजेस नहीं होगा, आई नो टू लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज में प्लूरल नहीं बनता है। इन्फॉर्मेशन हो गया, स्टेशनरी हो गया, इन शब्दों को जरूर याद रखिएगा, ब्रेड हो गया, आपको एक रोटी खाना है, मतलब एक रोटी दो रोटी, रोटी का जो आप खाते हैं वो टुकड़ा होता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में पीस का प्रयोग करते हैं, पी आई ई सी ई एस। देखिए अगर बहुत ज़रूरी है हमें इनका प्लूरल बनाना, तो कुछ ऐसे शब्द ही हम लगा कर इनका प्लूरल बनाते हैं, डायरेक्टली हम इनमें एस या एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाते हैं, इस बात को आप मतलब अच्छे से समझ लीजिए। लगेज हो गया, नॉलेज हो गया,
तो नॉलेज को भी आप नहीं गिन सकते हैं, तो टू नॉलेज, थ्री नॉलेज या नॉलेज में यस या यस लगाकर आप उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, मनी का भी नहीं बना सकते। ज्वेलरी है, वैकेशन है, पोइट्री है, तो ये आप याद रखिएगा। फ्यूल है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनमें कभी भी यस या यस नहीं लगेगा। एंड सेकेंड थिंग, कभी भी प्लूरल वर्ब इनके साथ हम नॉर्मली नहीं लगाएंगे, दोनों बात आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं दूसरे नियम पर। यहाँ पर इसके पहले देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी, यहाँ पर इज का प्रयोग कर रहे हैं और सीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, ये सही है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के आगे एन लगा रहे हैं ये, तो ये सही है। आप बताइए क्या ये सही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ये सही है या गलत है। अगर मैंने आपको अभी जो जितना ऊपर बताया उसके हिसाब से अगर आपने समझा तो इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर एन रहेगा या नहीं रहेगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। इसी तरह आई हैव नो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। चलिए अगले रूल पर आते हैं। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे क्या होता है कि कुछ नाउन के लास्ट में यस लगा रहता है, तो कैंडिडेट क्या समझ लेते हैं कि ये प्लूरल है। एक्चुअली ये प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर ही होते हैं। तो इन नाउन्स को आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे न्यूज, दिस न्यूज आल ट्रू नहीं होगा, दिस न्यूज इज ट्रू होगा। ये यस लगा है तो इसको आप प्लूरल मत समझ लीजिएगा, यहाँ यस लगा है तो प्लूरल मत समझ लीजिएगा। इन शब्दों के अंत में यस लगा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये प्लूरल है, उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये सदैव सिंगुलर में ही हैं रहेंगे। और इनके साथ वर्ब भी हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, सिंगुलर ही लगाएंगे। एक बार वर्ड्स को देख लीजिए, न्यूज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स मतलब पारी होती है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, रिकेट्स रोग है, बिलियर्ड्स है, ड्राउट्स है, पॉलिटिक्स है और एथिक्स है। जैसे यहाँ पर दिस न्यूज इज ट्रू, ये दिखने में सभी आपको लग रहे हैं कि प्लूरल जैसे हैं, लेकिन ये सिंगुलर है, एक वचन अवस्था में है, ये किसी का प्लूरल फॉर्म नहीं है, इनका नाम ही यस लेकर आता है। मैथमेटिक्स यस प्लूरल थोड़ी ना है, वो तो सब्जेक्ट का नेम है, तो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगानी चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में होते सिंगुलर ही हैं, ठीक है। चलिए अगले वन रूल पर आते हैं। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु अर्थ में ये प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, जैसे आप खेतों में देखते होंगे गांव में लोग चराते हैं अपने जानवरों को, तो वो कैटल होगा, उसमें भैंस भी रहती है, गाय भी रहती है, बकरी भी उसी में रहती है, तो कैटल का मतलब यहाँ मतलब है सभी जानवरों से जो मवेशी होते हैं। कैवेलरी मतलब लिखा हुआ असुना, तो ये शब्द दिखने में देखिए आपको सिंगुलर दिख रहे हैं, लेकिन ये सदैव प्लूरल में यूज होते हैं, न तो इनमें यस या यस लगा सकते हैं, न इनका सिंगुलर हम बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी अगर खेत में चर रहे हैं तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल का मतलब एक वचन मत समझिएगा, ये गलती कैंडिडेट करते हैं, कैटल्स एग्जामिनर कर दिया तो आप सोच लेंगे कि भाई कैटल्स, अभी जितना मैं आपको ये नोट बनाया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, उन्हीं एग्जाम्पल्स को भी रखा गया है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अगले रूल पर आते हैं। कुछ नाउन्स जैसे कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, फैमिली, मोब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक इत्यादि एक समूह के रूप में अगर काम करते हैं, एक यूनिट के रूप में, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और अगर डिवाइडेड हो तो प्लूरल फॉर्म, समझ रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट है, ठीक है, कोई बिल पास करना है तो सभी लोग अगर किसी एक बिल पर असहमत हो जाएंगे, तो असहमत हो जाएंगे तो उन लोगों के विचार बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसे में पार्लियामेंट प्लूरल का सेंस दे रही है, तो उसके बाद आप प्लूरल उसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट किसी एक मैटर पर वो हो जाती है, मैं किसी पार्लियामेंट के किसी एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उस पर उसमें कोई बिल पास करना हो और सभी लोग एक सहमत होकर एक साथ बिल पास कर देते हैं तो वो यूनिट के रूप में काम कर रहा है, तो सिंगुलर आप उसको मानेंगे। तो यही यहाँ पर भी है, ऑडियंस है, ऑडियंस एक साथ अगर मूवी को देख रही है तो ऑडियंस मतलब बहुत इंटरेस्टेड है, सभी एकदम एकटक मूवी को देख रहे हैं, ठीक, या कोई बात बताई जा रही है उसको सुन रहे हैं, तो वहाँ पर आप उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर ऑडियंस बोर होने लगेंगे मूवी को, कुछ उसी में घूमने लगे, कुछ बाहर टहलने लगे, कुछ उसी में मूँगफली बैठकर खाने लगे, तो ऑडियंस अगर अलग अलग ओपिनियन अपना शेयर कर रहे हैं, अलग अलग डाइवर्जन हो रहा है, तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जैसे ऑडियंस वेयर बोर्ड हो जाएगा। इसी तरह पुलिस है, उसी तरह टीम है, टीम इज़ डिवाइडेड हो सकता है, माई टीम इज़ फुल हो सकता है, तो दोनों टी डिवाइड अगर हो रहा है टीम आर हो जाएगा, और अगर ये किसी एक यूनिट एक
इन यूनाइटेड एक्शन इनका दिखाई दे रहा है तो फिर आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। देखिए जैसे इन्होंने कमेटी के साथ किया है, क्या किया है देखिए इनवर्स को थोड़ा देख लीजिए। कमेटी है, मैंने साथ पढ़ा है, जूरी है, फैमिली, इसको आप देख लीजिएगा, मोब है, भीड़ है। भीड़ कोई काम एक संगठन के रूप में करेगी तो सिंगुलर, और अगर प्लूरल के रूप में करे तो फिर प्लूरल, तो दोनों इनके साथ चलेगा। मेरे कहने का मतलब इन शब्दों को जब प्रयोग होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। जैसे कमेटी किसी बात पर डिवाइड हो गई, द कमेटी आर डिवाइडेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आर लगा हुआ है, और यहाँ कमेटी किसी एक बात पर सहमत है, सब एकमत हैं, तो इस लग गया। देखिए तो ये चीज़ है कि कमेटी एक ही है, इसका प्लूरल सिंगुलर नहीं बन रहा है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लग रही है वो सिंगुलर या प्लूरल लग रही है। ओके तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ द पुलिस वेयर, यहाँ पर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, पूरे रूट पर पुलिस पोस्ट हो गई है, मतलब उनको तैनात कर दिया गया है, तो यहाँ पर पुलिस वेयर हो जाएगा, क्योंकि हर जगह कई जगह यहाँ पर बात हो रही है, सब एक ही जगह नहीं है, ठीक है, पूरे रास्ते पर पुलिस है तो कई जगह पुलिस को पोस्ट किया गया है। तो आपने समझा, हमारी टीम बेहतर है, अवर टीम इज बेस्ट, कई टीम आ गई है, मिनी टीम आर अराइविंग, ठीक है। ये जो आपने अभी देखा, ये जो लिखे हुए हैं कमेटी, ज्यूरी, मिनिस्ट्री, फैमिली, ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होने वाले नाउन्स हैं, इन पर आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से यूज होते हैं। चलिए अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल कहता है फ्रेंड्स, कुछ नाउन एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप अगर पैंट की बात कर रहे हैं तो पैंट ऐसा बनता है, पैंट जो आपने पहना होगा यह ऐसा होता है, तो क्या एक जैसे दो पार्ट से बनना है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, अगर यहाँ से काटेंगे तो एक जैसे दो पार्ट हो जाएंगे। तो यही बात ये कह रहे हैं। अगर बाइनोकुलर दूरबीन की बात की जाए तो दूरबीन कैसी होती है, कुछ ऐसे ही होती है ना, तो दूरबीन कुछ इस तरह का होता है, यहाँ से मान लीजिए देखने वाला, तो ये भी एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ नाउन्स एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा एक साथ किया जाता है, इनकी इंग्लिश में भी एस लगा रहता है। जैसे ट्राउजर जो आप पैंट पहनते हैं, आई ग्लासेस, चश्मा, टोंग्स जो चिमटा होता है, ठीक है, चिमटा जो होता है वो भी एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। देखिए तो एक जैसे दो पार्ट से अगर ये मिलकर बना है तो इन दोनों का प्रयोग भी एक साथ होता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होती है टी ओ एन जी एस, इसके अंत में लगे एस को कभी भी हटा नहीं सकते आप। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं और दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस या एस को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, ना ही इनके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब लगाई जा सकती है, ठीक है। जैसे मेरा पैंट ढीला है तो माई पैंट्स, पी ए एन टी एस, इसकी स्पेलिंग पैंट्स होती है, पैंट नहीं होगा, पैंट्स होगा, और ढीला है तो आर लूज, आर लगा रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि दो मैंने पैंट को दो पार्ट में पहना है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को याद रखिएगा, यहाँ पर सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, बेड़ियाँ होता है इसका मतलब, इसका और पैंट्स, आई ग्लासेस है, ब्रीचेस है, ब्रीचेस मतलब यहाँ पर भी ईएस लगा हुआ है, तो कैमरे में आया नहीं है, ठीक है, क्लास में ईएस है ब्रीचेस में, ठीक है। तो ब्रीचेस मतलब जंघिया होता है ना, जो आपने देखा होगा कि हम लोग के दादा वगैरह पहना करते थे पुराने ज़माने में, वो बाइनोकुलर दूरबीन हो गया, चिमटा हो गया, जींस हो गया, तो ये सब में यस लगा हुआ देख रहे ना, और ये सब हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। मेरा पैंट कहाँ है, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट, मैं लिख दूंगा, एग्जाम में क्या करेगा, यस हटा देगा, तो आप कहेंगे भाई ये पैंट्स का पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है, पी ए एन टी यस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर होगा, इज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमेशा प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। तो ये आज का जो है फ्रेंड्स कुछ रूल हो गया, आई थिंक ये आपके लिए जो आप पांच रूल मैंने आज बताया है ये हेल्पफुल जरूर रहेंगे, आप नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम लगातार जो अपना नोट बनाए हैं वो आप तक प्रोवाइड करेंगे, आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये वीडियोस और ये नोट भी। अपने फ्रेंड्स तक जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, या फिर आप हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कवर करिए। फिलहाल ये भर्ती को ध्यान में रखकर जो यूपी टेट है उसको ये कवर कराया जा रहा है। जुड़ें और शेयर करें, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएँ, धन्यवाद।